परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। है वो कैसर को दिया जाए और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आप सभी का स्वागत करते हैं इस अनुग्रह के समय में। प्रियो, परमेश्वर बहुत सारी अच्छी और भली बातें कर रहे हैं पूरे विश्व भर में, और मैं विश्वास करता हूं कि ये आपका समय है, ये हमारा समय है कि हम हर एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करे और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने जीवन में हम राज्य करें। आइए एक वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर को इजाजत देते हैं हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। बाइबल कहता है रोमियों की किताब अध्याय 5:17 में ऐसा लिखा गया है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसी एक के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायक से पाते हैं वो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। प्रियो, आप जब इस वचन को दोहराओगे, जब आप इस वचन को वापस एक बार पढ़ोगे, यहां पर लिखा गया है कि एक मनुष्य के वजह से, आदम के बात नहीं मानने के वजह से मृत्यु ने राज्य किया, गलत बातों ने राज्य किया, श्राप ने राज्य किया, असफलता ने राज्य किया, नाकामी भी जो है वो उसने राज्य किया, और हर एक वो बातें जो शत्रु चाहता था उन बातों के द्वारा शत्रु ने राज्य किया। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था यीशु मसीह, बाइबल कहता है कि जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान पाते हैं, आज हम बात करने पर है अनुग्रह और धर्म रूपी जो वरदान है उसके बारे में, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि जो अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायक से पाते हैं वो अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। बाइबल कहता है कि अनुग्रह, इसका मतलब है जो हम कभी कमा नहीं सकते, परमेश्वर के अनुग्रह को आप कमा नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं स्वीकार करते हुए विश्वास के जरिए। हालेलुया। आप विश्वास के जरिए आप उन चीजों को ग्रहण कर सकते हैं, आप परमेश्वर के अनुग्रह को कमा नहीं सकते कुछ भी करते हुए, आपको बस ग्रहण करना है। अब बाइबल कहते हैं कि जो अनुग्रह और धार्मिकता बहुतायक से पाते हैं वह अपने जीवन में राज्य करेंगे। धार्मिकता, इसका मतलब है परमेश्वर के सामने खड़े होना बिना कोई दोष भावना के। हालेलुया। यानी एक पुत्र के स्वभाव को लेकर परमेश्वर के सामने जाना, यह कहते हुए नहीं कि मैं पापी हूं और मैं गलत हूं और मैं कीड़ा हूं, मैं मकोड़ा हूं, मैं गलत हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, दोष भरे भावनाओं को आपको परमेश्वर के पास नहीं लेकर जाना है, लेकिन परमेश्वर के संतान होने के नाई आपको परमेश्वर के सामने खड़े होना है विनती करते हुए अपने पिता से। इस मानसिकता को आपको धारण करना है। धार्मिकता, इसका मतलब है कि बिना दोष भावना के परमेश्वर के सामने खड़े होना। और बाइबल कहता है कि जो अनुग्रह और धार्मिकता बहुतायक से पाते हैं वह अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि कैसे हम इन चीजों को बहुतायक से पा सकते हैं। अगर आप इन चीजों को बहुतायक से पाना चाहते हो तो आपको विश्वास करना जरूरी है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वो अपना अनुग्रह आप पर बरसाएगा, और वो अपना अनुग्रह उसने अपने ऊपर बरसाना चालू कर दिया, आपके ऊपर बरसाना चालू कर दिया, हमारे ऊपर बरसाना चालू कर दिया। आपको अपने आपको इस विश्वास में लेकर आना है। हर दिन जैसे ही आप सुबह उठते हो आपको देखना कि आप मसीह के अंदर गड़े गए हो। हालेलुया। जिस प्रकार एक सोने में बहुमूल्य पत्थर गड़े जाते हैं, जिस प्रकार ऐसी कोई वस्तु गड़ी जाती है जिसको निकालना, अलग करना बहुत मुश्किल होता है, उससे भी कई गुना ज्यादा मजबूत तौर पर आप परमेश्वर में गड़े गए हो, और
कोई भी गलत बातें, कोई भी पाप, कोई भी श्राप, कोई भी शत्रु, कोई भी दूत आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। और जब आप अपने आप को उस प्रकार देखते हो तो आप पर अनुग्रह बरसने लगता है। आप जब अपने आप को देखते हो कि आप यीशु के लहू से धुल चुके हैं, परमेश्वर की धार्मिकता में आप जब अपने आप को याद दिलाते हो कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हो, तो अद्भुत बातें आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है, अद्भुत चीजें आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। और इसे कहते हैं कि जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे, वो अवश्य ही अपने जीवन में राज्य करेंगे यीशु मसीह के द्वारा। अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता के रूप में स्वीकार कर लिया है तो ये सबसे सर्वोत्तम बात है। और इसी चीज के वजह से आप हर एक चीजों पर राज्य करने वाले लोग ठहरेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध है और परमेश्वर का अनुग्रह आपको ऐसे व्यक्ति में बदलेगा, ऐसे व्यक्ति में परिवर्तित करेगा जो अनेक लोगों पर प्रभाव लेकर आएगा। कोई पाप आप पर राज्य नहीं कर सकता है। मैं यीशु के नाम से सारे पाप के अधिकार को खंडित करता हूं इस समय, यीशु के नाम से सारी गलत बातों को खंडित करता हूं इस समय, हर एक नकारात्मक सोच को खंडित करता हूं इस समय। आप परमेश्वर के बेटे हो, आप पर अनुग्रह हुआ है और आप धर्मी हैं। जी हां, आप धर्मी हैं जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। देखो, आदम ने जो चीज किया था उसी के वजह से गलत चीजें आपके जीवन में लागू हो चुकी थी। आपने कुछ गलत बात किया था उसके वजह से गलत चीजें आपके जीवन में लागू नहीं हुई, लेकिन आपका जो परदादा जो आदम थे उसने गलत किया था उसी के वजह से आपके जीवन पर सारी गलत बातें लागू हुई थी। सेम उसी प्रकार आपने कोई अच्छी बात की इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह आप पर नहीं आएगा, लेकिन यीशु मसीह आपके जीवन में, आप यीशु से जुड़ चुके हो इसीलिए सारी अच्छी बातें यीशु के द्वारा आपके जीवन तक पहुंचेंगी। आपके कर्मों के वजह से ना ही तो पाप आया था, ना ही तो कोई गलत बातें आई थी, ना ही तो आपके कर्मों की वजह से कोई गलत चीजें आपके जीवन में, कोई अच्छी चीजें शुरू होगी। ठीक है, आपके गलत चीजों की वजह से ना ही तो कोई गलत चीजें आई थी, आपके अच्छी चीजों की वजह से ना ही तो कोई ये अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान आएगा। लेकिन यीशु मसीह ने जो किया था, आदम के वजह से गलत चीजें आई और यीशु मसीह के जरिए अनुग्रह और धार्मिकता आपके जीवन तक पहुंचे। और आपको इन चीजों पर विश्वास करना, और जैसे ही आप इन चीजों पर विश्वास करोगे आप उसके रिजल्ट को अपने जीवन में देखना चालू करोगे। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, फिर एक बार हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान हैं, आप अद्भुत हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु, हम आपको स्मरण करते हैं, आपके जरिए हमें अनुग्रह मिला है प्रभु, हमें अति अनुग्रह मिला है प्रभु इस जीवन में राज्य करने के लिए। प्रभु आपकी धार्मिकता आपने हमें बनाई, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु चीज़ों को, स्थिति को, परिस्थितियों को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु, हमारे हर एक हालातों को आपके हाथों में देते हैं। जो भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए प्रभु, उन्हें ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं प्रभु, आपने करुणा कृपा दया किया, धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, एमेन एमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन आप दबा लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अपने सहयोग का हाथ आप बढ़ाएं, हमारा जो आज़ादी टीम का जो मेंबरशिप है आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम मिलकर प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाएं। अगर आप हमें ब्लेस करना चाहते हैं तो हमारा जो चर्च का अकाउंट है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से हमें सहयोग सपोर्ट कर सकते हैं। परमेश्वर बहुत सारी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपका जो डोनेशन है, आपका जो सहयोग है, आपका जो मदद है हमें अनेक लोगों तक पहुंचने के लिए मदद और सहायता करते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करें।